नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। 14 जून 2022 को राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले 18 महीनों तक, यानी राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। राहु उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। राहु 14 जून से भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे 20 फरवरी 2023 तक, यानी एक लंबा समय है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, देवता यम है, यानी यमराज है। भरणी नक्षत्र को समझना है तो ऐसे समझे कि ये नक्षत्र बड़े बड़े बदलाव को देता है। भरणी का मतलब होता है भरण, यानी कि पालन पोषण करने वाला या भरने वाला। शुक्र धन का कारक है और भरणी नक्षत्र धन और प्रसिद्धि देता है। तो यह नक्षत्र धन का है और ध्यान दोनों का भी है। या तो ये आपको धन दे देगा या तो फिर संसार से विरक्त कर देगा, यानी ध्यान दे देगा। इस नक्षत्र का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होगा? वैसे तो सभी 12 राशियों पर होगा, लेकिन जिसकी भी लग्न में, ये कुंडली देखते जाइए आप, लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में राहु बैठे हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जो भी लोग 42 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं उन पर और ज्यादा प्रभाव होगा। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उन पर प्रभाव होगा। जिनकी भी जन्म शाम के समय हुआ है, यानी दोपहर के बाद हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है, उन पर प्रभाव होगा। जन्म के समय जिनका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जो लोग शेयर मार्केट सट्टेबाजी का काम करते हैं उन पर इनका प्रभाव ज्यादा होगा। जिनके ऊपर राहु की दशा महादशा चल रही है उन पर प्रभाव ज्यादा होगा। जिनकी सूर्य चंद्र शुक्र मंगल की दशा महादशा चल रही है उन पर प्रभाव ज्यादा होगा। राहु संबंधी व्यवसाय करने वालों पर प्रभाव होगा। सोशल मीडिया से आजकल बहुत बड़ी दुनिया जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया वालों पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। शुक्र फिल्मी दुनिया, ऐश्वर्य, इन सब के कारक रहे हैं, इस फिल्मी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों पर प्रभाव होगा। राहु ग्लैमर है, यानी ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया की इंडस्ट्री वालों पर प्रभाव होगा। अगर राहु बुरा हुआ तो आपको मोटापा, कैंसर, पागलपन जैसे रोग भी दे देगा। यहाँ पर राहु भविष्य है, राहु विज्ञान है, राहु आगे की बात करता है, कल की बात करता है, राहु आज की बात नहीं करता, राहु कल है, आने वाला कल। देखिए, इस नक्षत्र का फल जो है वो आंवला है। आंवला, आंवले का प्रयोग करना शुभ रहेगा इस अवधि में। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिन उपायों से आप राहु के अशुभ प्रभावों को कम कर पाएंगे। देखिए, भरणी नक्षत्र के देवता यम है। यम क्या है? यमराज है। और मृत्यु के बाद जो हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनको यमराज लेके जाते हैं। तो यानी इस समय में आप अपने पूर्वजों का तर्पण करें, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का भी ये बहुत अच्छा मौका है। उनको खुश करें, खुश करेंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। कुछ उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को कर लीजिएगा। इन उपायों को मैं बताऊं उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। एक तांबे का कोई बर्तन, प्लेट, कटोरा, कुछ भी आप ले लें, उसमें दूब घास जो आपके घर के आसपास इजली मिल जाती है वो ले लें। आंवला, आंवला इजली मिल जाएगा, एक या दो आंवले ले लें। यमुना नदी का जल, यमुना नदी का जल यमराज को बहुत पसंद है। और काले तिल ले लें, चारों को एक ही थाली में या लोटे में मिला लें और अपने पूर्वजों को तर्पण दें, पितरों की अर्चना करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शनिवार के दिन ये करें, ओम यमाय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें, खुद करें, खुद कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी आप ये विधि संपन्न कर सकते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। दूसरा एक उपाय है, एक कोई बर्तन ले लें, जल पात्र ले लें,
कटोरी ले लें, उसके अंदर आंवला रखें, साबुत आंवला रखें, काट के आंवला डाल दें। और अगर आपकी कोई घर की बालकनी है या कोई घर के आसपास लॉन है, खुला मैदान है, वहां पर उसको रख दें। अगर कौवा, देखिए जब भी पितरों का तर्पण होता है तो गाय, कौवे और कुत्ते की रोटी को निकाला जाता है। अगर कौवा आए और उसी पात्र में से उस आंवले को पूरा उठा ले जाए, आपने पूरा रखा है, या फिर उसमें चोंच मार के खा ले या जल पी ले, सब कुछ कर ले, या लेके उड़ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके लिए लाभ ही लाभ है, बहुत बढ़िया लाभ है, शुभ होगा आपके लिए। क्योंकि तो भरणी नक्षत्र का जो पक्षी है वो क्या है, कौवा। कौवा जो है यमराज का वाहन है। तीसरा काम आपको शिव उपासना करनी है। यमराज काल है और महादेव महाकाल है। अगर आपसे संभव है, आपके पास पैसा है, वक्त है और ईश्वर की भक्ति है, तो आप महाकालेश्वर उज्जैन जाकर भगवान के दर्शन करें, पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, कुछ नहीं कर सकते जाकर जलाभिषेक करें। 6 या 8 मुखी रुद्राक्ष को भी आप अच्छे रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष को धारण करें। तो ये कुछ उपाय हो गए। और कुछ उपाय जब मैं आपकी राशि की चर्चा करूंगा तो उसके साथ भी बताऊंगा। अब लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में अलग अलग राशियों के, तो सबके लिए यह परिवर्तन एक जैसा नहीं होगा। किसी को कुछ, किसी को कुछ मिलेगा, सभी को एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके लिए क्यों नहीं मिलेंगे, इसके लिए देखिए कारण होगा कि आप अपनी अपनी गोचर कुंडली और अपनी जन्म कुंडली दोनों को देखें, राहु की स्थिति को समझें, राहु की स्थिति क्या है, राहु पर आपको दशा महादशा क्या चल रही है, राहु का अन्य ग्रहों से संबंध क्या है, राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, राहु पर किन शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब को भी समझेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या जाने वाला है। राहु जैसे मैंने कहा चमत्कारी ग्रह है, विज्ञान है। तो 14 जून से लेकर फरवरी तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुछ राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन दिन आएंगे, कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे और कुछ राशि वालों के लिए बहुत बुरे दिन आएंगे। अब बात करते हैं ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें कुंभ राशि वालों को क्या मिलने वाला है। तो राहु का गोचर तीसरे भाव में होगा कुंभ राशि वालों के लिए। राहु का तीसरे भाव में जाना एक अच्छा है, राहु को ये भाव पसंद है। तो शनि और राहु की मित्रता भी है और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की भी शनि से मित्रता है, राहु से मित्रता है। तो तीसरा घर संचार का है, साहस का है, भाई बहन का है, यात्रा का है। राहु संचार यानी कि कंप्यूटर, आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी को ही हम संचार बोलते हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े जो भी लोग हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। कंप्यूटर की ही दुनिया है, इंटरनेट की ही दुनिया है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपका राहु आपको भाग्य का सपोर्ट दिलाएगा। यहाँ पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, आप अपना घर बदल सकते हैं, आप अपना देश बदल सकते हैं, आप अपने प्रदेश बदल सकते हैं, टीवी मीडिया में लाभ होगा। राहु आपको आशावादी बनाएंगे, राजनीति में सफलता दिलाएंगे। जो भी लोग 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र में है उनकी नौकरी, व्यापार और घर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपनी जुबान से निकलने वाले शब्दों का सही चयन करें, विदेश में सफलता मिल सकती है, राजनीति में सफलता मिल सकती है। निडर और वफादार दोस्त बनेंगे आपके, शत्रु पर विजयी होंगे। दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग ना करें, यानी गलत भाषा का प्रयोग ना करें, नास्तिक ना बने, सामाजिक संबंधों को बनाए रखें, यानी लोगों से अच्छा मिलना जुलना रखें, सभी लोगों से बातचीत अच्छी रखें। चांदी का एक कड़ा अगर आप पहन लेते हैं तो आपके लिए वक्त बहुत बढ़िया होगा। चांदी का कड़ा पहन लें, जैसा भी पतला सा मोटा सा, या उसके साथ साथ आप चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा भी आप गले में धारण कर सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। 1x1 का टो या रखें 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के रास्ते लेकर आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी, आप कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। बस जो बातें बताई उनका ध्यान रखिएगा, वीडियो के शुरुआत में बताए गए उपायों को भी करिएगा और ये जो भी उपाय ये भी करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइएगा,
ताकि आप सही सही पहचान सकें कि आपके राहु किस स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, और उनका सही और सटीक उपाय आप कर सके। हरिओम, नमस्कार।